फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 18, 15½, 13 और डॉट डॉट -47। तो एक एपी यहाँ पर दिया हुआ है जिसका हम लोग को बताना है कितना इसमें टर्म्स है। सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका है 18 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है, कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, 15 2 ज़ा 30, 30 और 1 31, ये चेंज करना आता है 15 2 ज़ा 30, 30 और 1 ये 31, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 15 2 ज़ा 30 और ये 31 माइनस 18, तो ये हो गया 31 माइनस 18 2 ज़ा 36 और बाई 2। तो 31 माइनस 36 आ गया यहाँ पे माइनस 5/2, तो इसका ये डी है। अब बोल लेते हैं कि nth टर्म है -47, यानी ये मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो n का वैल्यू मिल जाएगा तो पता चल जाएगा ये कौन सा टर्म है, और कौन सा टर्म है पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स भी मिल जाएगा क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी है -5/2 इज इक्वल टू -47, यानी कि 18 प्लस 18 को उस तरफ भेज लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा तो -18, यानी कि n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 और -18, तो ये हो जाएगा कितना -8 7, 15 का 5, 4 और 1 ये 5 और 1 6, तो -65, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू ये लोग को भी अगर उधर ले जाएं तो ये -65 इंटू 2/-5, 2 इस तरफ नीचे था इधर आके ऊपर, -5 ऊपर था मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कट गया, 5 1 ज़ा और ये हो जाएगा 5 13 ज़ा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, यानी कि n है 26 + 1, तो n आ गया यहाँ पे 26 + 1 27, यानी कि इसमें 27 टर्म्स था।